गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा से निजात पाने के लिए लॉकडाउन ही उपाय नजर आ रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली की हवा लगातार बहुत खराब स्तर पर बनी हुई है। दिल्ली का AQI लेवल बुधवार सुबह 379 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के साथ साथ अब हरियाणा में भी प्रदूषण का कहर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब हरियाणा में जल्द ही गाड़ियों को लेकर ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। गुरुग्राम राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार गाड़ियों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने पर विचार कर रही है। फिलहाल प्रदेश सरकार के अगले आदेश तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत इन चारों जिलों के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रदूषण पर जब हमारे संवाददाता ने गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरलाल सरपंच से बात की तो उन्होंने कहा सभी सरकारों को मिलकर प्रदूषण को रोकना चाहिए। उन्होंने सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए बोला। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ हम स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग ये कहें कि इसके लिए दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या पंजाब सरकार, ये चारों सरकार या फिर केंद्र सरकार वही लोग इसके लिए दोषी हैं तो वो बिल्कुल गलत है। हम सबकी जवाबदेही बनती है। नए मकान हम बनाएंगे, हाई राइज बिल्डिंग हम बनाएंगे, पेड़ हम कटवाएंगे, पराली हम जलाएंगे, पेड़ हम नहीं लगाएंगे नहीं तो फिर ये पोल्यूशन तो बढ़ता ही रहेगा। पिछले 2 साल से एक तो वैसे ही दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रही थी, स्कूलों के जो विशेषकर छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत भयानक स्थिति हो गई थी। अब ये पोल्यूशन रूपी जो समस्या आ गई है दिल्ली NCR के लोगों पे, उसके चक्कर में फिर से इन स्कूलों को अब बंद कर दिया गया है। पहले बंद किया था, आज फिर नए आदेश आ गए, 21 तक बंद है, उसके बाद का भी पता नहीं। तो ये पोल्यूशन रूपी जो महामारी है इससे बचने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। इसमें सरकारों का हमें सहयोग करना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, और हम सबका ये दायित्व भी बनता है कि मिलकर इस लड़ाई में हम सभी सरकारों का सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हम और हमारा परिवार, हमारे बच्चे इस दिल्ली NCR में खुली हवा में सांस ले सके। सरपंच जी, आपने कहा कि सभी सरकार से मिलकर प्रयास किया जाना चाहिए पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन एक तरफ हरियाणा सरकार तो ये कह रही है कि जो ये पॉल्यूशन का लेवल बिगड़ा है वो दिल्ली सरकार की वजह से। नहीं, इसके लिए विशेष रूप से अकेले दिल्ली सरकार को अगर टारगेट किया जाता तो वो अच्छी बात नहीं है। पीछे भी मैं सुन रहा था केजरीवाल साहब की एक स्टेटमेंट आ रही थी, कह रहे थे अगर केंद्र सरकार आदेश दे तो हम पूर्णतः लॉकडाउन कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार के आदेश पे वो लॉकडाउन करेंगे ये समझ से बाहर की बात है। केजरीवाल जी पता नहीं किस तरीके की राजनीति करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि दिल्ली के लोगों की ज़रूरत है और उस ज़रूरत को देखते हुए उन्हें स्वयं ये निर्णय लेना है केंद्र सरकार इसमें क्या डायरेक्शन देगी। जब कोविड वैश्विक महामारी आई थी तब क्या सरकार ने आदेश दिए थे? राज्य सरकारों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि भाई राज्य सरकारें स्वतंत्रता है। तो ये जो संकट का समय है पॉल्यूशन का, ये कोरोना वैश्विक महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक है दिल्ली NCR के लोगों को। तो केजरीवाल साहब, आपको स्वयं देखना है लोगों के हित के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, कि आपको दिल्ली में पूर्णतः लॉकडाउन करना है या नहीं करना है। हरियाणा सरकार ऑड इवन को लेकर भी सोच निर्धारित कर रही है कि ऑड इवन लागू किया जा सकता है अगर पॉल्यूशन कंट्रोल में न रहे, क्या आपको लगता है कि एक सही विकल्प है? निश्चित रूप से सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, दिल्ली NCR को बचाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और उसमें अगर ऑड इवन ज़रूरत है और उस ज़रूरत को देखते हुए उन्हें स्वयं ये निर्णय लेना है केंद्र सरकार इसमें क्या डायरेक्शन देगी। जब कोविड वैश्विक महामारी आई थी तब क्या सरकार ने आदेश दिए थे? राज्य सरकारों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि भाई राज्य सरकारें स्वतंत्रता है। तो ये जो संकट का समय है पॉल्यूशन का, ये कोरोना वैश्विक महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक है दिल्ली NCR के लोगों को। तो केजरीवाल साहब, आपको स्वयं देखना है लोगों के हित के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, कि आपको दिल्ली में पूर्णतः लॉकडाउन करना है या नहीं करना है। हरियाणा सरकार ऑड इवन को लेकर भी सोच निर्धारित कर रही है कि ऑड इवन लागू किया जा सकता है अगर पॉल्यूशन कंट्रोल में न रहे, क्या आपको लगता है कि एक सही विकल्प है? निश्चित रूप से सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, दिल्ली
एनसीआर को बचाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उसमें अगर ओडीवन भी लागू करना पड़ सकता है तो हरियाणा सरकार इसके लिए निश्चित रूप से ओडीवन लागू करेगी। बिल्कुल, तो सुना आपने कि किस तरीके से सुंदरलाल सरपंच का कहना है कि ओडीवन भी लागू अगर किया जाता है तो जाहिर तौर पर है कि जो जहरीली हवा इस वक्त गुरुग्राम या दिल्ली एनसीआर में घुलती जा रही है उस पर गंभीर रूप से सरकार के साथ साथ आम जनता के लिए भी ये मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब हरियाणा सरकार कौन सा अगला नियम लागू करती है, क्या अगला आदेश होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए संध्या मिश्रा।